हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सत्येंद्र में। मैं हूं अपराध सिंह और हम कर रहे थे यूपीएससी 2021 के लिए मूल विधि के अंतर्गत आईपीसी में हम लोग 3 अध्याय तक कर चुके हैं। चौथा अध्याय भी हमने कुछ हद तक कर लिया है। कुछ जो चीज़ें रह गई हैं चौथे अध्याय में, वो आज की वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो अध्याय था उसमें क्या था, सामान्य परिचय या फिर इंट्रोडक्शन, ठीक है। 1 से 5 तक इसमें धाराएं थी, धारा की बात करें 1 से 5 तक सामान्य परिचय। तो दूसरा जो हमारा अध्याय था उसमें क्या थी, उसकी धाराएं की बात करें तो 6 से 52 A तक। इसके अंतर्गत क्या दे रखा था, जनरल स्पष्टीकरण यानी कि सामान्य जो परिभाषाएं हैं वो दे रखी थी अध्याय 2 के तहत। धाराएं कितनी है, 6 से 52 तक। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में हमारे दे रखे थे 53 से लेके 75 तक धाराएं, 53 से लेके 75 तक। इसके अंतर्गत क्या था, दंड संबंधी प्रावधान। हम जो कर रहे हैं वो है अध्याय 4, इसके अंतर्गत धाराएं हैं 76 से 106 तक। इसमें क्या दे रखा है, अपवाद की जो कंडीशन है वो इसके अंतर्गत दे रखी है। हम इसी अध्याय में कर रहे हैं, इसी अध्याय का एक सब पार्ट है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। इसी अध्याय जो अध्याय है, हम अध्याय 4 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसी को हम लोग आज कवर करेंगे। उसके अंतर्गत धारा कितनी थी, मैंने कल उस दिन भी बताई थी, 96 से 106 तक। तो ये 11 धाराएं हैं, इनको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे और जो भी चीज़ें जरूरी होती हैं इस अध्याय के लिए हम लोग आज पूरी कवर कर लेंगे। अध्याय 4 आज हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला जो अध्याय होगा उससे पहले या फिर जब भी अध्याय शुरू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जिसमें अभी तक आए हुए यूपीएसआई में आए हुए जितने भी पेपर हैं मेरे पास उन सब के प्रश्न कराऊंगा आए हुए, और जो आ सकते हैं वो भी कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये अध्याय हमने 3 तक कर लिया है, चौथा अध्याय में जो बाकी रह गया था वो हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमें जो आज वीडियो में जितनी धाराएं करनी है वो है 96 से लेके 106 तक, यानी कि 96 से लेके 106 तक जो धाराएं हैं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार वो हमें आज कवर करनी है। तो धारा 96 की बात करें, धारा 96 में दे रखा है कुछ बातें जो निजी प्रतिरक्षा में की जाएं वो अपराध नहीं होंगी। निजी प्रतिरक्षा में की गई बातें अपराध नहीं होंगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा करता है, यानी कि कोई हम पर हमला करता है और हम उस हमले को बचाव के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उस पर बैग हमला कर देते हैं या अपना बचाव करने के लिए उसको धक्का वगैरह मार देते हैं, उसकी वजह से उसको जो भी चोट लग जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये डिपेंड करेगा आगे वाली धाराओं पर। तो उसमें हमें अपराध कितना होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी हैं। जैसे मान लो कोई महिला है, उस पर कोई रेप अटेम्प्ट करता है कोई भी, या फिर एसिड अटैक करता है, तो क्या होगा, वो अपने बचाव करेगी कि नहीं करेगी। तो हमारी आईपीसी में रखा है कि वो अगर बचाव करती है इन सब चीज़ों के लिए, या तो रेप का शिकार होने से बचने के लिए, या फिर एसिड अटैक का होने के लिए, या फिर कोई हमें जान से मारना चाहता है उसके विरुद्ध, तो अगर हम उसको जान से भी मार देते हैं, इन सब अपराधों में कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि इन सब चीज़ों में अगर हम उसे जान से भी मार देते हैं या फिर कोई भी नुकसान उसका कर देते हैं फिजिकली, तो क्या होगा, वो हमें अपराध नहीं माना जाएगा और हम सेफ रहेंगे, कोई हम पर दंड वाली कार्रवाई नहीं होगी। ये सारी बातें अध्याय के जो सब पार्ट है यानी कि धाराएं हैं निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत दे रखी हैं, ठीक है। ये थी हमारी धारा 96, इसमें दे रखा है कि निजी प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसके अंतर्गत हमें कोई भी अपराध नहीं किया है, हम ऐसा मान के चलेंगे, यानी कि कोई भी अगर हम पे हमला करता है तो हम निजी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत जो धाराएं हैं हमारी 96 से लेके 106 तक, उनके अंतर्गत हम निजी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अगली जो धारा है हमारी वो है 97, इसके अंतर्गत दे रखा है कि शरीर और संपत्ति की रक्षा करते हुए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि हमें जो अपना शरीर है उसकी सुरक्षा करनी है या फिर अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि हम कब कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि शरीर व संपत्ति की प्राइवेट डिफेंस यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, हमें कब मिलेगा, या तो कोई हमारी संपत्ति को लूटना चाहे या फिर चोरी करना चाहे या फिर हमें जान से मारना चाहे,
तो इसमें दो कंडीशन है, पहला तो शरीर के लिए है यानी कि हम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी अन्य व्यक्ति की भी रक्षा कर सकते हैं। जैसे कोई हमें मारना चाहे या फिर हमारे दोस्त को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भी मारना चाहे बंदूक चला के या फिर चाकू लेके, तो हम उसकी रक्षा करते समय भी हमें जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि खुद की रक्षा के लिए हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है, वो क्या करना चाहता है, किसी महिला का रेप करना चाहता है या फिर एसिड अटैक करना चाहता है, तो वो महिला चाहे तो वो भी कर सकती है, अन्यथा कोई और व्यक्ति भी अगर उसकी मदद करता है, उसमें जो हम अपराधी था उसकी जान भी चली जाती है, तो भी वो हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त रहेगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत दे रखा है। अगला है हमारी लूट, संपत्ति की रक्षा, ये हमारी शरीर की रक्षा के लिए हो गया। ठीक है, संपत्ति की रक्षा के लिए क्या है, कोई हमारे लूट करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, ठीक है, आपराधिक अत्याचार करना चाहता है। आपराधिक अत्याचार का मतलब होता है कोई हमारी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसे, यानी कि उसको अधिकार नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी में आए रात के समय दिन के समय, तो क्या होगा, वो जब आएगा तो हम उसकी अपनी रक्षा कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी संपत्ति है घर, तुम्हारे घर में कोई अचानक रात को आ जाए चोरी करने या फिर किसी भी इरादे से, जो तुम्हें पता ना हो कि वो आने वाला था, तुम्हें पता ना हो, कोई व्यक्ति तुम्हारा जानकार ना हो, वो रात को जबरदस्ती दीवार तोड़ के या फिर छत से कूद के आए, तो तुम उससे अपनी संपत्ति की और खुद की रक्षा कर सकते हो। ये अधिकार भी हमें दे रखा है 97 धारा हमारी जो IPC की उसके अंतर्गत। ठीक है, और हमारा एक और है रिफ्टी। रिफ्टी को इंग्लिश में बोलते हैं मिस्चीफ, उसके विरुद्ध भी हमें, रिफ्टी का मतलब है कोई भी हमारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो हम उससे अपनी संपत्ति की रक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्टी बोलते हैं अंग्रेजी में मिस्चीफ, यानी कि कोई हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहे तो भी हम उससे संपत्ति की रक्षा के लिए अपना जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है उसका उपयोग कर सकते हैं। आपराधिक अत्याचार को बोलते हैं क्रिमिनल, क्रिमिनल यानी कि आपराधिक, और जो अत्याचार का मतलब होता है यानी कि जब व्यक्ति हमारी प्रॉपर्टी में घुसना, ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, यानी कि जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी में घुसना, और रिफ्टी यानी कि मिस्चीफ का मतलब है हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। चोरी थेफ्ट होता है इंग्लिश में, मतलब लूट का मतलब होता है रॉबरी, यानी कि इनमें से कोई भी हमारी संपत्ति को चोरी करने आता है, लूटने आता है, आपराधिक अत्याचार करता है या फिर रिफ्टी करना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारी धारा 97, इसके अंतर्गत जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो हमारी एक धारा है 99, उसके निर्बंधों के अनुरूप मिले हुए हैं। यानी कि धारा जो 99 है उसमें क्या रखे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी हैं कि इन कंडीशन में आपको क्या होगा, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तो उसके अधीन ही है हमारा 97। याद रखिएगा 96 में निजी प्रतिरक्षा के बारे में की गई कोई बात अपराध नहीं होगी। ठीक है, अपराध नहीं होगी, और जो 97 है उसमें शरीर और संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमें प्राप्त है। किन किन स्थितियों में प्राप्त है, धारा 99 जो है उसकी स्थितियों को छोड़ के हम स्वयं की शरीर की रक्षा कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा भी कर सकते हैं। संपत्ति की बात करें तो लूट से, चोरी से, आपराधिक अत्याचार से और रिफ्टी से संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, चाहे वो संपत्ति कैसी हो, जंगम या फिर स्थावर, यानी कि मूवेबल हो या फिर जो मूवेबल नहीं है, यानी कि घर है उसको मूव नहीं कर सकते, पैसा है तो मूव कर सकते हैं, यानी कि जंगम संपत्ति हो, जो हमारी धारा 22 थी उसमें जो जंगम संपत्ति की परिभाषा दे रखी है मूवेबल प्रॉपर्टी की, उसके तहत जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति हमारी जो स्थायी हो, यानी कि कोई भी जमीन हो गई या फिर कोई भी हमारा मकान हो गया या फिर कोई भी चीज हो गई जिसको हम मूव नहीं कर सकते, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, स्थावर संपत्ति। किसी भी प्रकार की संपत्ति हो तो उसकी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगली धारा 98 की तरफ।
ये धाराएं काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार भी सवाल आ चुका है इनसे, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैंने उस दिन नहीं कराई थी, क्योंकि कराता तो इनमें टाइम लगता, एक एक धाराओं को अच्छे से कराना पड़ता, इसलिए मैंने उस दिन छोड़ दी थी कि अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अगली जो हमारी धारा है 98, उसमें है कि विकृत चित्त व्यक्ति होता है, यानी कि कोई पागल है, पागल व्यक्ति जो होता है विकृत चित्त, यानी कि जिसको मानसिक रूप से वो रोगी है, मानसिक रोगी है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसके जो व्यक्ति के कार्य होते हैं उसके विरुद्ध भी हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि कोई पागल व्यक्ति है, मान लो ए है, कौन है वो पागल, कोई पागल व्यक्ति क्या करे, बी को मारना चाहे या मारने का प्रयत्न करे, तो बी क्या कर सकता है, अपना निजी प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर सकता है, और निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, ए को मार भी सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी विकृत व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, वो अगर किसी व्यक्ति को मारना चाहता है तो उसके कार्य के विरुद्ध भी हमें क्या प्राप्त है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। मान लो ए पागल है, बी को मारना चाहता है, और बी क्या करे, उसको बदले में मार दे, यानी कि जब भी अपनी रक्षा के दौरान उसको मृत्यु हो जाए ए की जो पागल है, तो भी इस आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने किसी पागल व्यक्ति को मार दिया है। और हमने एक और धारा पढ़ी थी 84, याद हो सभी को, तो हमने जो पिछली वीडियो है उसमें धारा पढ़ी थी 84, जिसमें बोला गया था कि विकृत चित्त जो भी व्यक्ति होता है उसके कार्य अपराध नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि ये इसमें प्रयत्न में बी को मार देता है पागल व्यक्ति, तो ए को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ये हमारी दे रखी थी धारा 84 में, जो पागल व्यक्ति है उसके कार्य के विरुद्ध अपराध नहीं होगा, वो कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्राप्त है, किसके तहत, धारा 84 के अंतर्गत। यानी कि जो व्यक्ति पागल है वो यही नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, इस काम से मेरे से क्या होगा, तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी, कोई नहीं। तो विकृत जो भी व्यक्ति होता है, यानी पागल व्यक्ति होता है, उसके कार्य के विरुद्ध भी उसको सुरक्षा प्राप्त है, यानी कि वो कुछ भी कर दे लेकिन उसको अपराध नहीं बोलेंगे, ना ही उसको दंड मिलेगा। ऐसे ही एक और धारा हमने पढ़ी थी 82, जिसमें क्या बोला गया था, 7 साल से जो कम के व्यक्ति हैं उनके कार्य अपराध नहीं होंगे, 7 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके कार्य अपराध नहीं होंगे, ये हमने पढ़ा था धारा 82 में। तो एक चीज सुनिएगा, यानी कि धारा 84 है जिसमें पागल व्यक्ति के जो भी कार्य होते हैं उसको अपराध नहीं माना जाता, तो अगर ये इसको मार देगा तब भी कोई अपराध नहीं है, और ये अपनी रक्षा के लिए इसको मार देगा तब भी इसको सजा नहीं मिलेगी, दोनों ही को अपनी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसको प्राप्त है धारा 84 के तहत, और इसको प्राप्त है धारा 98 के तहत, यानी कि पागल व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा धारा 98। अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो रही हो, लिख नहीं पा रहा हो, तो एक काम करें कि अपना स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी मोबाइल वगैरह से आप, लैपटॉप वगैरह से जिसे वीडियो देख रहे हैं, तो उसे स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट को ही बार बार रिवाइज कर लो, या फिर बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अगली जो धारा हमारी वो है 99, जो मैंने बताया था कि कुछ कंडीशन है जिसमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो मान्य नहीं होगा, किन कंडीशन में, यानी कि कुछ स्थिति मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, बाकी जो हमारे आईपीसी है उसमें काफी हार्ड लैंग्वेज दे रखी है, क्योंकि उस टाइम पे कौन थे, अंग्रेज, और उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, फारसी जो व्यक्ति थे उनका ही ट्रांसलेशन किया गया था, मतलब लैंग्वेज काफी कठिन है। कुछ स्थिति जिनमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार काम नहीं करता, ठीक है,
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किन किन स्थितियों में कार्य नहीं करता, ये हमारा दे रखा है धारा 99 में। ठीक है, एक कंडीशन तो यह है कि जहां पर मृत्यु या घोर अपहति का मतलब है घोर उपहति की आशंका ना हो, यानी कि कोई भी हमें थप्पड़ मारता है, कोई हमें थप्पड़ मार रहा है तो उसमें क्या होगा, ना तो हमें ज्यादा नुकसान होगा ना ही उससे हमारी मृत्यु हो सकती। तो इस किसी ने हमें थप्पड़ मारा इस चक्कर में हम उसकी जान नहीं ले सकते, ये बात कह रहा है हमारा धारा 99। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुछ भी थोड़ा सा भी धक्का मारे तो हम उसकी जान ले लें अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बदले। तो इस धारा 99 कहती है किसी व्यक्ति पर उतना ही प्रहार किया जाना चाहिए जितना अपनी जान बचाने के लिए जरूरी है, हमलावर पर उतना प्रहार जितना बचाव हेतु जरूरी है। इस धारा का मतलब यह है हमलावर पर उतना हमला या फिर बल प्रयोग जितना बचाव हेतु जरूरी है, एक केस हुआ था लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य वाद जो हुआ था हमारा 1986 में आया था ये, फिर बाद में हाई कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था कि किसी कोई भी अपनी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार करता है तो उतनी ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना अपने बचाव के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी किसी ने धक्का मारा थप्पड़ मारा या फिर गाली दी तो हम उसको मार दें, ठीक है, तो इस हमें उतना ही बल प्रयोग करना है जितना जरूरी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लक्ष्मण साहू थे उनके इन कार्य को क्या पाया था, अपराध बताया था और उनको सजा दी थी। ठीक है, फिर हाई कोर्ट ने सजा दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इसी आधार पर बरकरार रखा था कि हमलावर पर उतना ही प्रहार किया जाना चाहिए जितना बचाव हेतु जरूरी है। ऐसा नहीं किसी ने गाली दी थप्पड़ मारा तो उसको जान से मार दें और बाद में बोले कि हमने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत ये कार्य किया है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि कोई भी लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है और लोक सेवक के निर्देश के तहत भी प्राप्त नहीं है, जैसे मान लो लोक सेवक कौन होते हैं, पुलिस वाला है, कोई पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाए, ठीक है, वो पकड़ने जा रहा है बिना हथियार के बिना बंदूक के, लेकिन वो क्या करे कि अपनी निजी प्रतिरक्षा को बोलते हुए लोक सेवक को मार देते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये अपराध ही माना जाएगा क्योंकि लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ऐसे मान लो कोर्ट ने आदेश दिया कुछ व्यक्ति को पकड़ा जाए, अरेस्ट वारंट किसी के खिलाफ जारी किया, तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है कोई पुलिस वाला या फिर कोई और व्यक्ति, तो क्या होगा उसके जो भी कार्य करेगा उसके विरुद्ध हमें क्या प्राप्त नहीं होगा, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये जो धारा हमारी वो देखा 99 में, तो यानी कि जहां पर मृत्यु और घोर उपहति की आशंका ना हो, लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध और लोक सेवक के निर्देश के तहत हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता। और मैंने केस भी बताया है लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य वाद 1986 में एक केस आया था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब में गया था वो, तो उसके बाद फैसला दिया कि उतना ही हमला किया जाना चाहिए जितना बचाव के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम सीधा उसके सर पे डंडा मार दो या फिर कोई लोहे की रॉड मार दो और वो मर जाए, तो उसमें क्या होगा होमिसाइड यानी कि जो कल्पेबल होमिसाइड का केस लगेगा तुम्हारे ऊपर। ऐसा नहीं है यानी कि एक तरह से मर्डर का केस लगेगा उस स्थिति में अगर तुम्हें कोई गाली देता है तो उस चक्कर में किसी को मार दो। ठीक है, अगली धारा है हमारी 100, उसको भी देखेंगे अच्छे से। पहले ये अब तक जो हमने किया 96-97 उसको एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। 96 में क्या है हमारा निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त ये रखा है, 97 में क्या दे रखा है यानी कि 97 में हमारा दे रखा है कि शरीर और प्राइवेट जो हमारी संपत्ति है उसकी प्रतिरक्षा के अंतर्गत क्या क्या हमें चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है,
कब कब प्राप्त होगी, यानी कि हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में, ये देखते हैं। 98 में हमारा विकृत व्यक्ति यानी कि पागल व्यक्ति होते हैं, उनके कार्य के विरुद्ध भी हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, ये रखा है 98 में। 99 में हमारी कुछ कंडीशन रखी है जहां हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब बात करें हमारा अगली धारा है 100 जो धारा है हमारी, इसमें रखा है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को मारने तक कब होता है, यानी कि हम अगर निजी प्रतिरक्षा के दौरान किसी व्यक्ति को मार दें तो ये किस कंडीशन में ये हम कर सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को किस कंडीशन में हम लोग मार भी सकते हैं और वो हमें अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो हमारा निजी प्रतिरक्षा के तहत आएगा। ये देखिए हमारी कंडीशन कि हम किसी व्यक्ति को मार भी सकते हैं निजी प्रतिरक्षा के दौरान, ये कुछ इसमें कंडीशन दे रखी है, वो हमें 100 में धारा 100 है हमारी आईपीसी की, 1960 की जो आईपीसी है उसके धारा 100 उसमें दे रखा है निजी प्रतिरक्षा के दौरान हम किन स्थितियों में किसी व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं, तो वो स्थितियां हमें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस स्थिति में हम लोग किसी व्यक्ति को मार सकते हैं या नहीं और वो अपराध नहीं होगा या फिर नहीं, तो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें एक होगी या फिर ऐसी होगी एक होगी या फिर तीन होगी एक नहीं होगी, तो हमें वो टिक करनी होगी, ठीक है, याद रखिएगा। पहला तो यही है जिससे उस हमले से खुद की मृत्यु की आशंका हो, खुद की मृत्यु की आशंका हो, यानी कि हमें आशंका हो कि अगर हमने ये हमला हम पर हुआ, यानी कि कोई बंदूक लेके खड़ा और बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जैसे हमने देखी थी कौन सी मूवी देखी थी, रुस्तम मूवी, उसमें अक्षय कुमार ने एक व्यक्ति को मार दिया था क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी और उसने अपनी निजी प्रतिरक्षा के लिए उसको मार दिया था। बाद में जब जूरी बैठक हुई जूरी की तो उसने बोला कि मैंने निजी प्रतिरक्षा के लिए किया था और उसके हाथ में बंदूक थी और वो बोल भी रहा था और उसको गुस्सा जल्दी आता था इसलिए मैंने अपनी निजी प्रतिरक्षा के लिए उसको मार दिया। तो उस कंडीशन में कोई अगर हम पे हमला करे और उसमें हमारी मृत्यु भी हो सकती हो तो हम लोग उसको मार सकते हैं। और दूसरी है घोर अपहति की कंडीशन में भी, यानी कि हमें आशंका हो कि अगर इसने हम पर हमला किया तो अब या तो हमारी मृत्यु होगी या फिर हमारा कोई भी बड़ा सा पार्ट हिस्सा बॉडी का है वो डैमेज हो जाएगा और उससे हम लोग जल्दी नहीं उभर पाएंगे, इसलिए उसको निजी प्रतिरक्षा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि उस पर हमला कर सकते हैं वापस। तीसरा है बलात्कार की कोशिश करे कोई भी महिला है या फिर, ठीक है, यानी कि किसी भी महिला पर किसी भी लड़की पर कोई रेप करने की अटेम्प्ट करता है तो उसके विरुद्ध भी क्या है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है और उसमें जो अपराधी है या फिर जो प्रयास करेगा रेप वगैरह का तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी वो केस नहीं बनेगा कोई भी किसी महिला पर, ठीक है, यानी कि बलात्कार के प्रयास के विरुद्ध कोई भी अगर उसको मार देता है तो भी केस नहीं बनेगा, ठीक है। अगला है अप्राकृतिक वासना के विरुद्ध भी प्राप्त है, ठीक है। अगली जो कंडीशन है हमारी वो है अपहरण के विरुद्ध, कोई भी हमारा अपहरण करना चाहता है तो भी हम उसको मार सकते हैं अगर कंडीशन ऐसी है कि उसको मारना ही सही है तब। ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कोर्ट की कंडीशन ठीक है नहीं, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो उनमें रिलैक्सेशन नॉर्मली मिल ही जाता है। अगली जो हमारी कंडीशन है वो है हमारी सदोष परिरोध, यानी कि कोई भी किसी को बंदी बना के रखता है, परिरोध का मतलब है कन्फाइनमेंट यानी कि बंदी बना के रखना, सदोष का मतलब है अनलॉफुल, किसी को कोई विधि के विरुद्ध अगर बंदी बना के रखता है और उसके पास यही तरीका है कि अगर मैं इसको मार दूंगा तभी मैं बच के जा सकूंगा अन्यथा मैं यहीं पे रहूंगा हमेशा के लिए, तो वो कर सकता है, उसका मर्डर भी कर सकता है या फिर उसको कोई भी हानि पहुंचा सकता है। अगली जो कंडीशन है हमारी वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको बाद में जोड़ा गया था 2013 में जो संशोधन किया गया था, हमारा आपराधिक कानून है उसमें संशोधन किया गया था 2013 में, ये जोड़ी गई है एसिड अटैक, क्योंकि इस टाइम पे एसिड अटैक की घटनाएं काफी बढ़ गई थी इसलिए ये बाद में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है, 2013 में जो हमारा आपराधिक कानून है यानी कि क्रिमिनल लॉ है उसमें संशोधन करके ये बाद में जोड़ी गई है।
ठीक है, याद रखिएगा एफिड अटैक के विरुद्ध भी हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, और उसमें अगर हम किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है तो भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये थी हमारी धारा 100 जिसमें कुछ कंडीशन दे रखी है जिसमें हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। किस कंडीशन तक? यानी कि अगर हम उस व्यक्ति को मार भी देते हैं तब भी हमें कोई केस नहीं होगा हमारे ऊपर, ना ही कोई अपराध माना जाएगा। कौन सी कंडीशन है? खुद की जान जा सकती हो, घोर अपराध हो सकती हो, बलात्कार के विरुद्ध अप्राकृतिक यानी कि जो नॉन अननेचुरल है यानी कि नेचुरल नहीं है तरीका, उसके विरुद्ध वासना के विरुद्ध यानी कि कोई अननेचुरल सेक्स करना चाहे उसके विरुद्ध, अपहरण के विरुद्ध और सदोष प्रतिरोध के विरुद्ध, और जो अगली कंडीशन बाद में जोड़ी गई थी एफिड अटैक के विरुद्ध। ये कंडीशन है जिसमें अगर हम किसी व्यक्ति को मार भी देते हैं तब भी हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये दोषी है या नहीं, कंडीशन ऐसी थी या नहीं, ये डिसाइड करने का अधिकार किसको है? कोर्ट के पास है। अगली धारा है हमारी धारा 101। इसमें बोला गया है कि जो ऊपर जो यानी कि धारा 100 में जो कंडीशन दे गई हैं, धारा 100 में जो स्थितियां हैं उसके अलावा अगर कोई किसी व्यक्ति को मारता है तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। जो मैंने धारा 99 में बताई थी वही कंडीशन इसमें बताई गई है क्लियर। लेकिन कुछ जो स्थितियां हैं उन्हीं में हमारा निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। मारने तक नहीं, लिमिटेड नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके तहत हमारा धारा 101 में बोला गया है कि अगर कोई नॉर्मली हमला करता है तो हम उसको मार नहीं सकते, लेकिन चोट पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई हम पर नॉर्मली बिना किसी हथियार के थप्पड़ मारता है या फिर क्या कर सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? थप्पड़ रोक सकते हैं और उसको धक्का मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अगर किसी ने हम पे थप्पड़ मारा तो हम उसको जान से ही मार दें, बंदूक ला के या फिर चाकू से हमला कर दें। ठीक है, इस धारा जो 101 है इसमें बोला गया है कि हम उसको जान से नहीं मार सकते अगर जो कंडीशन है 100 वाली नहीं है। यानी कि धारा 100 से अलग कंडीशन है तो उसमें हम लोग उसको जान से नहीं मार सकते, लेकिन हाँ अपनी प्रतिरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगली जो धारा हमारी धारा 102। ठीक है, 102 अच्छे से याद रखिएगा। कुछ कंडीशन जो हमारी फॉर्म में दे रखी है उसके अलावा अगर कंडीशन है तो हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, यानी कि जान से मारने तक का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, लेकिन चोट पहुंचा सकते हैं। धारा 102 में दे रखा है कि जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब से प्रारंभ होगा और कब खत्म होगा। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना, इसका मतलब है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो है हमारा कब लागू हो जाएगा और कब तक रहेगा। यानी कि अगर हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक लागू रहेगा और तभी शुरू हो जाएगा कोई मारने की धमकी देता है या फिर कोई प्रयास करता है, यानी कि कोई बंदूक लेके हम पे दिखाए और बोले कि हमें तुझे गोली मार दूंगा या धमकी दे तुझे जान से मार दूंगा, तो वो तभी से लागू हो जाता है यानी कि शुरू हो जाता है और तब तक रहता है जब तक उस पर संकट की आशंका बनी रहती है। यानी कि अगर निजी प्रतिरक्षा का अधिकार पूछे कब से शुरू होता है, तो किसी भी प्रकार का प्रयत्न जिससे हमारी शारीरिक क्षति हो सकती हो या फिर मृत्यु हो सकती हो तब से शुरू हो जाएगा, या फिर कोई हमें धमकी दे तब भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कब तक बने रहेगा? जब तक कि हमें ऐसी आशंका है कि हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी हमारी धारा 102। अगली धारा हमारी धारा 103। धारा 103 में रखा है संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वो मृत्यु को आरित करने तक किस कंडीशन में विस्तारित होगा। यानी कि संपत्ति की रक्षा के दौरान, संपत्ति की प्राइवेट रक्षा या फिर प्रतिरक्षा में किसी को मारना कब जायज है, कब जायज है या फिर अपराध नहीं है, इसमें कुछ कंडीशन बताई गई। जैसे हमारी धारा 100 थी,
जिसमें किसी व्यक्ति को जान से मारना अपनी रक्षा के लिए सही था, ऐसे ही इसमें बोला गया है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा में भी हम लोग किसी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए तब। तो इसमें भी कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि हम हमारी संपत्ति की रक्षा की कंडीशन में कब कब किसी व्यक्ति को भी जान से मार सकते हैं और वो केस नहीं बनेगा, यानी कि अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन उससे भिन्न कंडीशन आएगी तो वो अपराध माना जाएगा। इसमें बोला गया है लूट, लूट रात्रि गृह भेदन चोरी, लूट कोई तुम्हारे घर रात को आता है, यानी कि रात्रि गृह भेदन। गृह भेदन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती तुम्हें ना पता हो और कोई तुम्हारे घर घुसना चाहे दीवार तोड़ के छत से और तुम्हें बताया ना गया हो तब हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं, नाइट हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। और जो अगली कंडीशन है आग से मारने की कोशिश, कोई तुम्हारी संपत्ति को आग से जलाना चाहे और उसमें तुम भी हो और संपत्ति भी जल रही हो और तुम भी जल रहे हो, तो उस कंडीशन में कोई किसी व्यक्ति को मार देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है हमारी जो कंडीशन है वो है चोरी, रिष्टि लूट, ठीक है। रिष्टि, रिष्टि यार की नुकसान पहुंचाना, वही आग जलाना वगैरह वगैरह इसमें सारे कुछ शामिल है, ठीक है। आपराधिक अतिचार या गृह अतिचार बोलते हैं आग से, यानी कि रात्रि गृह भेदन यानी कि अतिचार, जबरदस्ती तुम्हारा अनलॉफुल तरीके से तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुसना, ये सब क्या है अपराध है ऐसे, यानी कि कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुसता है लूट के बहाने से, चोरी के बहाने से, और तुम अपनी प्रतिरक्षा के लिए वो चाकू लेके आता है, लेकिन तो तुम क्या कर सकते हो, चोरी करने आया चाकू लेके आया तो तुम क्या कर सकते हो, उसको मार भी सकते हो अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है। ये दे रखा हमारा धारा 103 में। बात करें अगली धारा 104 की, तो 104 में बोला गया है इस कंडीशन में अलग अगर कंडीशन आती है तो किसी व्यक्ति को हम मार नहीं सकते, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यानी कि संपत्ति की रक्षा का अधिकार, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, मृत्यु कारित करने से भिन्न, मृत्यु कारित करने से भिन्न, यानी कि हम किसी को मार नहीं सकते लेकिन नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लो कोई नॉर्मली निहत्ता आया चोरी करने, लेकिन हम उसको पकड़ लें मार कुटाई कर दें तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, और अगर हम उसको जान से मार देंगे, अगर वो निहत्ता है और हमें हमारी संपत्ति को इतना नुकसान नहीं पहुंच सकता तब हम उसको मारें तो क्या होगा, वो अपराध माना जाएगा, लेकिन उसको पिटाई कर दें तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी धाराएं 103 और 104 जो 100 और 101 है और 102 है, ऐसे ही हमारी 103 104 105 है। अगली धारा हमारी 105, 105 जो धारा है इसमें बोला गया है संपत्ति की जो प्रतिरक्षा का अधिकार है कब शुरू होगा और कब तक बने रहेगा, ठीक है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की शुरुआत और बने रहना, अधिकार का प्रारंभ और बने रहना, ये जो हमारा यानी कि ऐसे हमारा 102 था जिसमें संपत्ति यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो हमारा बॉडी के यानी कि शरीर के संबंध में शुरू हो रहा था 102 में, और 105 में क्या है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ और बने रहना, यानी कि कब से शुरू हो जाएगा, जैसे हमारा संपत्ति की सुरक्षा का जो अधिकार है वैसा ही है जैसा शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है। यानी कि अगर जिससे हमारी जब कोई धमकी देता है कि मैं तेरा ये चोरी कर लूंगा, या फिर हमारा कोई भी संकट आता है कि हमारी संपत्ति खतरे में है, तब से शुरू हो जाएगा, और जब तक ये ऐसी आशंका बनी रहेगी कि हमारी संपत्ति पर खतरा मौजूद है तब तक वो लागू रहेगा। इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे कोई चोरी करने आ रहा है तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में और तुमने पुलिस को फोन कर दिया, तो पुलिस आने तक तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि पुलिस आ जाएगी तो काम कौन करेगा, पुलिस करेगी। तो या तो खतरा बना रहे तब तक लागू रहेगा, या फिर कोई भी हमें लोक सहायता प्राप्त नहीं होती तब तक, ठीक है। तो अगली जो धारा है हमारी धारा 106, इसमें बोला गया है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, घातक हमले
के विरुद्ध प्राइवेट यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, और वो इस कंडीशन में भी लागू रहेगा जबकि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान भी जा सकती हो। उपाधि हो सकती है या फिर जान जा सकती हो। यानी कि जैसे मान लो इसका एग्जांपल देता हूं, घातक हमला कोई भी करता है, यानी कि मान लो एक तरह से भीड़ है, भीड़ क्या चाहती है, एक को मारना, भीड़ एक को मारना चाहती है, लेकिन एक के पास क्या है, बंदूक, एक गोली चलाता है बंदूक से, लेकिन वो भीड़ को रोकने के लिए गोली चलाता है और जैसे ही वो गोली चलाता है एक बच्चा भी भीड़ में होता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ए ने ऐसा क्यों किया था, जानबूझ के बच्चे को मारने के लिए किया था, सोच समझ के कि बच्चे को मारना है इसलिए किया था, यानी कि अपनी रक्षा के लिए किया था। तो अपनी रक्षा के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये हमारी धारा है 106। धारा 106 में बोला गया है घातक हमले के विरुद्ध अगर हम कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी कार्य करते हैं और किसी निर्दोष व्यक्ति को भी हानि होती है तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे भीड़ ए पर हमला कर दिया है, ए बचने के लिए यानी कि भीड़ को रोकने के लिए गोली चलाता है और उसमें किसी बच्चे की मृत्यु जाती है तो वो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। बच्चे की या फिर किसी व्यक्ति यानी कि पागल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी वो अपराध नहीं है। तो हमने जो अध्याय 4 था उसके अंतर्गत जो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार थे 96 से 106 यानी कि 106 तक वो भी हमने पूरी कर ली है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय पाँच हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, आज के डिस्कशन में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। ठीक है।